हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल फूड किचन। आज मैं आपको बहुत ही कम मेहनत में, कम सामान के साथ और मिनटों में तैयार होने वाली इस यम्मी टेस्टी मिठाई की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप नारियल पाउडर, 1 कप मिल्क पाउडर, यहाँ पर मैंने 2 चम्मच चीनी डाला है। आप चीनी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिल्क पाउडर में भी मिठास होती है, इसलिए मैंने चीनी कम लिया है। उसके बाद इन सब को अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए, इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि नारियल, मिल्क पाउडर ये सब आपस में मिक्स हो जाए। अब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। ये देखिए, दूध मैंने यहाँ पे 2 चम्मच दूध डाला है और उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दूध की मदद से हमें इसे अच्छे से बाइंड करना है। ये देखिए, दोबारा यहाँ पर मैंने 2 चम्मच दूध डाला। दूध आप थोड़ा थोड़ा करके डालें क्योंकि एक बार डालने से ये डो गीला हो जाएगा। हमें इसे एक डो फॉर्म में लाना है। ये देखिए, अभी मैं यहाँ पे फिर से 2 चम्मच दूध डालूँगी। तो टोटल मैंने यहाँ पर 6 चम्मच दूध डाला है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके एक डो फॉर्म में लेते आऊँगी। ये देखिए, इस तरह से हमें एक डो फॉर्म में लेते आना है। डो आपको थोड़ा हार्ड रखना है। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा हार्ड रखे डो। अब इस डो को हम 2 पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। एक पोर्शन में हम यहाँ ऑरेंज कलर मिलाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ ऑरेंज कलर लिया है। आप कोई भी कलर ले सकते हैं या आप कलर को अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आपको नापसंद हो तो। ये देखिए, मैंने थोड़ा लुक को अच्छा रखने के लिए यहाँ पे कलर मिक्स किया है, ऑरेंज कलर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दे डो के साथ। देखिए, ये एक ऑरेंज पार्ट हो गया और एक वाइट पार्ट। अब जो ये वाइट पार्ट है, इसे हम अच्छे से यहाँ पर रोल करेंगे। मैंने यहाँ पर फॉइल पेपर लिया है, आप इसकी जगह वैक्स पेपर भी ले सकते हैं। इसके ऊपर करने से ये चिपकता नहीं है, फॉइल पेपर या वैक्स पेपर के ऊपर। इस तरह से आप इसे रेक्टेंगुलर शेप दें। इस तरह से मैंने इसे, देखिए, हाथों की मदद से रेक्टेंगुलर डिज़ाइन बना दिया है इसका। अब इस ऑरेंज वाले पार्ट को हम इस तरह से यहाँ पर फॉइल पेपर के ऊपर रख करके इसे हम बेलेंगे। ये देखिए, बेलन की मदद से इसे आप बिल्कुल पतला बेल लें, क्योंकि हमने वाइट वाले पार्ट, जो फिलिंग हम बनाएंगे, उसे हमने रेक्टेंगुलर शेप में रखा है, तो इसीलिए हम इस ऑरेंज वाले पार्ट को भी रेक्टेंगुलर शेप में ही बेलेंगे। इस तरह से आप इसे पतला कर लें। और अब हम इसके ऊपर वो जो वाइट वाला पार्ट हमने डिज़ाइन करके रखा है रेक्टेंगुलर शेप में, इसे हम बीच में प्लेस कर देंगे। इस तरह से इसे बीच में रख लें। इसे बीच में रखने के बाद अब हम फॉइल पेपर की मदद से इसे फोल्ड करेंगे। बिल्कुल इस तरह से इसे फोल्ड करें। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है। एक तरफ फोल्ड करने के बाद अब हम इसे इस तरह से निकाल देंगे फॉइल पेपर को, और ठीक उसी तरह से हम दूसरी तरफ से भी फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से दूसरी तरफ से भी हम इसे फोल्ड कर देंगे। अच्छी तरह से इसे फोल्ड कर दें। फोल्ड करने के बाद आप इसके सरफेस को स्मूथ कर दें। इस तरह से हम हाथों की मदद से सरफेस को स्मूथ कर देंगे और इसे फॉइल पेपर में ही लपेट करके हम 1 घंटे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। ये देखिए, 1 घंटे रेफ्रिजरेटर में हम इसे रख देंगे। 1 घंटा हो चुका है, हमने इसे निकाला। ये देखिए, काफ़ी अच्छे से रेफ्रिजरेट हो चुका है। अब हम इसे खोलेंगे। ये देखिए, ये परफेक्ट बिल्कुल शेप इसका आ चुका है। अब हम इसे धीरे धीरे कट करेंगे। ये देखिए, मैंने इसे स्क्वायर शेप में कट किया है और ये हमारी जो मिठाई है काफ़ी अच्छी शेप में आ चुकी है, ऑरेंज कलर और वाइट कलर में। बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी ये जो मिठाई है, देखिए, ये बनकर तैयार है। और इसे मैं यहाँ कुछ पिस्ता के साथ गार्निश कर रही हूँ। आप इसे कोई भी ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करें। ये काफ़ी टेस्टी और बहुत ही अच्छी मिठाई बनकर तैयार हुई है। इसे आप किसी भी त्यौहार में बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम सामान के साथ, कम मेहनत के साथ और मिनटों में तैयार होने वाली हमारी ये जो मिठाई है बनकर तैयार है। आप इसे बनाएं, अपने परिवार को खिलाएं। ये मिठाई बिना गैस के, बिना मावा के बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।